student. I am teacher of class 2nd. Today I am going to teach you math exercise 7.5 part 6. चलिए exercise 7.6 पर चल रहे हैं हम लोग. इसमें आते हैं पहले simple division. Division तो आपको आते ही, एक बार देख लेते हैं किस तरीके से करना है. हमें किसकी टेबल रीड करनी है बेटा, 3 की. हाँ, कितना पढ़ना है कि वो 7 से आगे ना जाए, है ना. तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 3 3 जा 9. ओ बहुत 9 तो ज़्यादा होते हैं, 9 बड़ा होता है ना 7 से. तो 9 में नहीं लिखेंगे, 9 नहीं लिखेंगे, फिर कहाँ रुक जाएंगे, 6 पर. और 6 कितनी बार आया था, 6 कितनी बार आया टेबल पढ़ने पर, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 2 टाइम्स आया था. तो 2 कहाँ गया, ऊपर. अब हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, फिर माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया. 7 में 6 गया, क्या बचा हमारे पास, 1. और ये वाला 8 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर. अब ये कितना हो गया, अब ये कितना नंबर हो गया, 18. अब हमको 3 की टेबल ऐसे पढ़ना है जो 18 से आगे ना जाए. 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18. आ गए 18. कितनी टाइम्स आए, कितनी बार रीड करने पर आए, 6 रीड करने पर, 6 टाइम रीड करने पर 18 आ गए. तो 18 में से 18 सब्ट्रैक्ट किया, क्या बचा हमारे पास, कुछ नहीं. क्या बचा, कुछ नहीं, या फिर हम 0 भी लिख सकते हैं. ये तो हो गया सिंपल गोल से सिंपल सब्ट्रैक्शन. अब आता है लैंग्वेज वाले सम. लैंग्वेज वाले सम के लिए मैंने आपको बहुत बार बताया है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को रीड करना आना चाहिए. तो क्वेश्चन समझ में आएगा तभी तो हम आंसर दे पाएंगे. नेक्स्ट, तो डिवाइड 45 स्वीट्स. आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, यानी कि बांटना है. किसको, 45 स्वीट्स को. स्वीट्स मीन्स मिठाइयाँ, मिठाइयों को बांटना है. इक्वली, इक्वली मीन्स बराबर में. कैसे, कितना बांटना है, 3 चिल्ड्रन, 3 बच्चों को 45 स्वीट्स आपको बांटनी है बराबर बराबर, कि कोई कम ना ज़्यादा, कोई कम ना ज़्यादा, ठीक है. अब उसके बाद आता है आपके पास हाउ मैनी स्वीट्स. हाउ मैनी मीन्स कितना, कितनी, कितनी स्वीट्स, स्वीट्स मीन्स मिठाइयाँ. कितनी मिठाइयाँ क्या है, चाइल्ड गेट, मतलब ईच, ईच मीन्स हर एक, और चाइल्ड मीन्स बच्चा. हर एक बच्चे को गेट मीन्स पाना या मिलना. तो हर एक बच्चे को कितनी कितनी स्वीट्स मिलेंगी, तो चलिए हम देखेंगे, है ना. तो क्या करना है, हमको सिंपल सा डिवाइड करना है. क्या करेंगे, टोटल, टोटल स्वीट्स कितनी है अपने पास, सॉरी, टोटल स्वीट्स कितनी है अपने पास, 45, है ना. और हमें आंसर क्या देना है, ईच चाइल्ड केयर, यानी ईच मीन्स हर एक, ईच मीन्स प्रत्येक या हर एक, चाइल्ड मीन्स बच्चा, गेट मीन्स पाया. हर एक बच्चे को कितनी मिलेंगी, तो हमें क्या करना है, 3 हमारे पास क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 45 से डिवाइड करेंगे. तो 3 को वही सेम पढ़ना है हमको, 3 की टेबल ऐसे पढ़नी है तो 4 से आगे ना जाए. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 तो ज़्यादा हो जाएंगे, 6 में तो 4 जाएगा नहीं, तो हम कहाँ रुक जाएंगे, 3 पर ही रुक जाएंगे, है ना. और 3 की टेबल 3 पर, 3 वर्क, मतलब 3 की टेबल में 3 कितनी बार आ रहे थे, 1 टाइम, तो 1 लिख लिया. मैंने किया सब्सट्रैक्ट, यानी कि माइनस किया, 4 में 3 गया, क्या बचा, 1. फिर ये वाला 5 कहाँ गया, ये आ गया. अब कितना हो गया नंबर, 15 हो गया. तो मैं 3 की टेबल ऐसी पढ़नी है जो 15 से आगे ना जाए. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15. कितनी बार गया, 15 आ गए. कितने टाइम्स आए थे, 5 टाइम्स, तो 5 मैंने लिख लिया ऊपर. तो ये क्या हो गया, 15 में से 15 क्या गया, क्या बचा, कुछ नहीं. तो आंसर इज क्या आया, 15. तो हम क्या लिखेंगे, आंसर ईच चाइल्ड गेट 15 स्वीट्स. मतलब हर एक बच्चे को कितनी स्वीट्स मिली, हर एक बच्चे को कितनी स्वीट्स मिली बेटा, 15 15, तीनों बच्चों में बढ़ती. इस तरीके से हम लैंग्वेज वाले सम करते हैं. यहाँ कोई कन्फ्यूज़न हो, समझ नहीं आए, तो आप मैसेज भी कर सकते हैं. ओके, थैंक यू.